भारत होगा। और ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार है, संकल्प पत्र अब रिलीज किया जा रहा है। तो जारी कर दिया है प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र। आज की तिथि 14 अप्रैल 2024 को जब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इस बार का नारा है बीजेपी का, आपकी बार 400 पार, और उसे कैसे पूरा करना है और जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करना है उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प पत्र जो है वो बना है, उसको रिलीज कर दिया है प्रधानमंत्री ने। तो अब देखना होगा प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। अभी जो बातें राजनाथ सिंह ने की, उन्होंने कहा कि स्वाभिमानी और सशक्त भारत का रोडमैप जो है वो एक तरह से तैयार है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये बीजेपी का नारा है और इस पर पूरा ध्यान रखा जाता है, फोकस रखा जाता है और हमारे कहने में और करने में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं जो वादा करते हैं उसे पूरा किया, पिछले 5 सालों की उन्होंने जिक्र किया कि क्या कुछ किया है, जो जो वादे संकल्प पत्र में किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में किए गए थे, जिसमें धारा 370 कश्मीर से हटी, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की एक परिकल्पना की गई थी उसे साकार रूप दिया गया और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, इंक्लूसिव ग्रोथ और 2047 तक किस तरह से विकसित भारत। जी से नम्र अनुरोध करता हूं कि उनको संकल्प पत्र सुपुर्द करें। श्री रवि कुमार ये युवा है और इन्होंने गाजियाबाद के निवासी है, सुमंगला योजना से और आवास योजना में ये लाभार्थी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे देश के किसान के प्रतिनिधि के नाते श्री रामबीर जी जो झज्जर हरियाणा के निवासी है और जिनको पीएम किसान निधि, फसल बीमा योजना, पशुधन योजना, इस सब का लाभ हुआ है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सभी किसानों के हित बस्तर की हमारी बहन श्रीमती नीलावती मौर्य छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। नीलावती बहन को आवास योजना का लाभ हुआ है, उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ है, महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ की चर्चित योजना उसका लाभ हुआ है, नल जल योजना का लाभ हुआ है। सभी बहनों का एक प्रतिनिधि रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करता हूं कि वो अपना संबोधन करें। एक रील बनाई है इस मैनिफेस्टो को लेकर, वो दिखाएंगे और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एक व्यक्ति जो आज भरोसे का पर्याय बन चुका है, एक पार्टी जो विश्वास का प्रतीक बन चुकी है, पिछले 10 साल में इनके विचार देश की आदतें बनते गए, सबका साथ सबका विकास, इनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
इनके बोल बदलते गए गारंटी में और सही नीयत बदलती गई सही नतीजों में। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आने वाले 5 साल भी होंगे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन और पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल की व्यवस्था करेंगे। आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, आगे मिलता रहेगा। ये है भाजपा का संकल्प और मोदी की गारंटी। मध्यम वर्ग परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा करेंगे। हर परिवार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, नए शिक्षण संस्थान बने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो और पर्यावरण स्वच्छ हो। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार में पारदर्शी परीक्षाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिला है और पेपर लीक पर भी बड़ा कानून बना है। अब इस कानून को लागू करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। और खेल वीरों तैयार हो जाओ, हम 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करेंगे। ये है मोदी की गारंटी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विस, स्टार्टअप्स, टूरिज्म और स्पोर्ट्स के माध्यम से लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। मोदी सरकार का मंत्र है नारी तो नारायणी। शक्ति की वंदना करते हुए मोदी जी ने लखपति दीदी का विचार रखा और 1 करोड़ बहने लखपति दीदी बन भी गई हैं। आगे 3 करोड़ को बनाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को सर्विस सेक्टर से जोड़कर नए अवसर देंगे। साथ ही सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि समस्याओं पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएंगे। नारी वंदन अधिनियम को लागू करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास करेंगे। हम श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। हम कृषिगत शक्ति के रूप में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष विकास करेंगे। मछुआरों के जीवन छूते हर पहलू, जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत करेंगे। मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ये है भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। हम गिग वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली, घरों में काम करने वाले श्रमिक, सभी को ई श्रम पर जोड़कर उन तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। मेरे साथियों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है। भारत की प्राचीन योग की विरासत को एक एम्बेसडर बनकर मोदी जी ने दुनिया तक पहुंचाया है। आगे योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भारत देगा, ये मोदी की गारंटी है। विश्व भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के माध्यम से भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में करेंगे। पिछले 10 साल साक्षी हैं, हर वंचित वर्ग को वरीयता देती है मोदी सरकार। आगे 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे और एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन,
वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे।